गलवान वीर संथाली फिल्म कब रिलीज होगा? गलवान वीर गणेश हंसदा का फिल्म कब रिलीज होने वाला है? गलवान वीर संथाली फिल्म के बारे में बताएं, क्या ये संथाली फिल्म प्रॉफिट करेगा? तो ऐसे कई आपके स्पेशल कमेंट का स्पेशल जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो कुछ जोहार मिथिल सर यूट्यूब चैनल ने सनम को सगुन धरम सर यूट्यूब चैनल ने सपोर्ट किया बे सनम को आदि आदि सराव सनम को जो दी इंजा चैनल ने नवा किया पे तो हैं कौन चैनल को सब्सक्राइब अलो फिलिंजा और ओनास्वांते बेल आइकन हॉन दबाओ पे। तो चलो वीडियो को जस्ती बांग बिलोंग करते चलो वीडियो को स्टार्ट कर दे। तो दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली संथाली इंडस्ट्री के सुपर हिट आने वाले अपकमिंग फिल्म गलवान वीर के बारे में, आपके स्पेशल कमेंट के बारे में। आपने जो सवाल किए हैं उसका मैं जवाब दूंगा कि गलवान वीर संथाली मूवी कब रिलीज होगा, इस मूवी के बारे में बताएं, आपका कमेंट पिक किया। तो सबसे पहले उससे पहले मैं इस कमेंट का जवाब दूं, आपके कुछ स्पेशल खास कमेंट को मैंने पिक किया है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि गलवान वीर कब रिलीज होने वाला आखिरकार, और इस फिल्म की पूरी कहानी के साथ में एक स्पेशल बात आज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला कमेंट पिक किया है, इसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सबसे पहला सवाल की पिक किया है अमृता मुर्मू का। अमृता मुर्मू लिखती है कि संथाल समाज में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन इन टैलेंट लोगों को मौका नहीं मिल पाता, जिसके वजह से ये अपने टैलेंट को उभर के सामने नहीं ला पाते। तो ऐसा कोई सामने नहीं आ सकता जो ऐसे टैलेंटेड लोगों को मौका दे। तो इनके सवाल का जवाब में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी टैलेंटेड लोग होते हैं उनकी टैलेंट की पहचान आज नहीं तो कल वो अपने बलबूते पर भी कर लेते हैं, और हाँ रहा मौका का बात तो उनको मौका जरूर मिलेगा। और हमारे संथाली समाज के जितने भी बड़े यूट्यूबर है या प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि आपको भी ऐसे टैलेंट को सर्च करना चाहिए। अगर कोई संथाली समाज में आदिवासी कोई भाई बंधु हमारे ऐसे सच में टैलेंटेड है जैसा कि अमृता मुर्मू लिख रही है और ये सच भी बात है, तो उन्हें मौका जरूर देना चाहिए। आप सभी YouTube चैनल के बड़े बड़े क्रिएटर से मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुछ ऐसा पोस्ट बनाएं जिसमें आप उभर के जो सितारे हैं, एक्टर है, एक्ट्रेस है, सिंगर है, किसी को डांस आता है, किसी को एक्टिंग अच्छी आती है, किसी को नाचना अच्छा आता है, किसी को गाना अच्छा आता है, तो कोई लिरिक्स लिख सकता है, तो इन सभी को आप अपने चैनल के माध्यम से मौका दे, ऐसा मौका निकाले। तो कुछ ऐसा शुरुआत मैंने कुछ चैनल में देखा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बड़े क्रिएटर उभर के सामने आए, और इतना ही कहूँगा कि अमृता जी टैलेंट को मौका जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। उनको हार नहीं मानना है, अपने टैलेंट को आगे लाना है, तभी मौका मिल पाएगा। दूसरा कमेंट पिक किया हूँ हमारे एक भाई का, टैलेंटेड भाई जिनका नाम है सूरज राज हंसदक का। ये लिखते हैं कि सर कुंकन इंजा गिदारे 2 ये एल्बम कब रिलीज होगा? भाई गलवान वीर मूवी रिलीज का भी आज मैं बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि गलवान मूवी कब रिलीज होगा, इस वीडियो के बारे में बताऊंगा, इस फिल्म के बारे में बताऊंगा। लेकिन भाई का सवाल एक अलग है, उसके बारे में बात करूंगा वकील। उससे पहले भाई का जवाब दे देता हूँ, कुंकन इंजा गिदारे 2 कब रिलीज होगा? सिप्रा फिल्म 3 जुलाई को रिलीज होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश इसको कैंसिल कर दिया गया। अब ये आपको बता दूं 10 से 15 तारीख के बीच में रिलीज होने की संभावना है, और उसी डेट को ये रिलीज हो जाएगा। भाई वेट करें, जल्द ही रिलीज होगा। तीसरा स्पेशल कमेंट है, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि गलवान वीर मूवी कब रिलीज होगा ये फिल्म, वीडियो में अंत तक बने रहे। इससे पहले तीसरे भाई का स्पेशल कमेंट को हम लोग देख लेते हैं। तीसरा भाई का स्पेशल कमेंट है, भाई का कमेंट सबसे कमाल का, जिसका जवाब आप भी सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मगर इन भाई का नाम थोड़ा अजीब है, तिल लगा के। क्या नाम है यार, कैसे भाई हो? थोड़ा सा नाम आपका बहुत अच्छा लगा मुझे, थोड़ा देर के लिए मैं थोड़ा सा घबरा गया तिल लगा के, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा किया इसलिए मैंने इनके कमेंट को पिक किया। ये भाई लिखते हैं कि सर संथाली फिल्म गलवान वीर के बारे में कुछ बताएं, और ये फिल्म प्रॉफिट करेगा कि नहीं ये बताएं। तो चलिए आपके इस कमेंट का जवाब देता हूं, जो आपके इस कमेंट को सभी हमारे दर्शक सभी भाई बंधु देखना और सुनना जरूर चाहेंगे कि गलवान वीर मूवी क्या है आखिरकार। तो आप सभी को पता है कि गणेश हंसदा गलवान घाटी में चीन के बीच में जो झड़प होती है, जो झड़प में शहादत को प्राप्त करते हैं, हमारा देश नहीं पूरे संथाल समाज नहीं पूरा भारत वर्ष के गौरव को बढ़ाने का काम करते हैं, तो इस बात पे एक फिल्म रिलीज हो रहा गलवान वीर। जी हाँ, और इस फिल्म के बारे में मैं आज आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ ये फिल्म में क्या कहानी होगा, लेकिन इस फिल्म का मजा असली फिल्म को देखने में आएगा। फिर भी मैं आपको छोटी सी इसकी कहानी बता देता हूँ। इसमें पूरे हमारे गणेश हंसदा
हमारे शहीद गणेश हंसदा की पूरे जीवन को रचा गया है। इस फिल्म में बताया गया कि कैसे वो मेहनत करके, कैसे वो तकलीफ करके, उनके भाई मजदूरी किया करते थे, खेत में काम किया करते थे, उनको पढ़ाया करते थे। पढ़ने के बाद उन्होंने BSF में कैसे ज्वाइनिंग प्राप्त की, उनकी ज्वाइनिंग के बाद वो घर कब वापस आए सोहराय के पर्व में, घर परिवार के साथ में किस तरह से खाया, ये पूरी दास्तां, पूरी कहानी आपको दिखाई जाएगी। यहाँ तक कि उनके लिए लड़की देखा जा रहा था, वो लड़की देखने के लिए जाते, ये भी आपको दिखाया जाएगा। और इसके बाद का मेन दृश्य चालू होगा चाइना और गलवान घाटी में हुए उस लड़ाई, चाइना और इंडिया के बीच में जो गलवान घाटी में गणेश हंसदा और मेजर कर्नल और सभी वीर योद्धाओं के बीच में जो झड़प होती है, जिसमें गणेश हंसदा का रोल मंगल हंसदा के द्वारा निभाया गया, उस घाटी की युद्ध की क्लिप्स, युद्ध की पूरी झलकियां आपको दिखाई जाएगी। वास्तव में ये लड़ाई कैसे, कब और कहां और क्यों हुआ था, तो पूरा का पूरा कहानी का मजा आपको मिल पाएगा इस फिल्म के दौरान। मैंने तो सिर्फ आपको छोटी सी बात बताई है और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है, जाकर के देख लेना। इस वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल देता हूँ। मेन बात यह है कि इस संथाली फिल्म गलवान वीर के बारे में कि यह फिल्म दो भाषाओं में रिलीज होगा, हिंदी में भी और संथाली में भी, ताकि हमारे गणेश हंसदा संथाली भाई के बारे में पूरा देश को पता चल सके। ऐसे तो पता चल चुका है, लेकिन फिल्म के माध्यम से उनकी वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाने की ये जो मुहिम छेड़ी गई है गलवान वीर फिल्म के माध्यम से, इनमें आपकी भी सपोर्ट की जरूरत है। तो इस वीडियो को आप गर्व के साथ एक शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी सब तक पहुंचे। इस भाषा को हिंदी में और संथाली, ये दो भाषा में ये फिल्म जल्दी रिलीज होगा। कब रिलीज होगा ये आप जानना चाहेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहे। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये वीडियो कब रिलीज होगा, ये फिल्म कब रिलीज होगा, गलवान वीर कब रिलीज होगा, आप अंत तक बने रहे। एक और सवाल है जिसको मैं पिक करके उस सवाल का जवाब दूंगा कि ये वीडियो फिल्म कब रिलीज हो। स्पेशल कमेंट है मोहन हंसदा ऑफिशियल का, ये भाई लिखते हैं कि मिथिल सर व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो मोनेटाइज होगा कि नहीं। मोहन हंसदा ऑफिशियल के बारे में बता दूं, ये व्हाट्सएप का स्टेटस बनाते हैं, लेकिन इनका सवाल ये है कि ये वीडियो मोनेटाइज का मतलब होता है इस वीडियो पे ये इनकम कुछ कमा पाएंगे कि नहीं। तो भाई मैं बता दूं, जो भी इस तरह का व्हाट्सएप का स्टेटस वीडियो बनाते हैं उनका चैनल मोनेटाइज होने का एक ही क्राइटेरिया है कि अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस जो भी बना रहे हो उसमें दूसरे का डुप्लीकेट वीडियो को डायरेक्टली डाल दे रहे तो भाई मोनेटाइज नहीं होगा। मोनेटाइज तभी होगा जब आप किसी भी क्लिप्स पे या कोई भी छोटा छोटा क्लिप्स यूज करके आप उसमें अपनी एडिटिंग करते हैं, अपना कुछ टैलेंट दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे का वीडियो लिए अपलोड कर दिया तो भाई ये मोनेटाइज नहीं होगा, दिक्कत होगा आपको, तो ऐसा कभी मत करिएगा। आप अपना मेहनत करके व्हाट्सएप स्टेटस बनाइए, जरूर मोनेटाइज होगा, और कितनों का मोनेटाइज हो चुका है। नेक्स्ट स्पेशल कमेंट है कि गलवान वीर मूवी रिलीज कब होगा, इसके बारे में जानना है। आखिरकार इस सवाल को किसने किया था इनके बारे में पहले जानते हैं। सबसे फाइनल और धमाकेदार कमेंट है बबलू मरांडी के तरफ से कि सर गलवान वीर संथाली मूवी कब आएगा। भाई का इस सवाल का जवाब अब मैं आपको देने वाला, बताने वाला हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो इस मूवी के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब मैं बता रहा हूँ ये मूवी कब आ सकता है। तो इस मूवी को आने का दो डेट तय किया गया है, इन दो डेट में से एक डेट पे ये मूवी आएगा। पहला है 2021 का डेट और दूसरा है 2022 का डेट। तो कौन सा वो डेट है जानना चाहेंगे, सिंपल शब्दों में बता दूं, 2021 में ये मूवी अगर सब कुछ फाइनल हो गया तो अगस्त के महीने में ये मूवी रिलीज हो जाएगा। अगर नहीं हो पाया, कुछ एडिटिंग चल रही है, प्रोसेस में है, नहीं हो पाया, तो ये मूवी 2022 में रिलीज होगा जनवरी में। दो डेट रखा गया, या तो जनवरी में या फिर 2022 के अगस्त में। तो भाई थोड़ा वेट करना पड़ेगा, चांस रखो कि अभी ये जुलाई का महीना आ गया, अगस्त में ये गलवान वीर मूवी रिलीज हो जाएगा। पोस्टर रिलीज हो ही चुका है और मूवी रिलीज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। 2022 में दो रखा गया महीने का बात कर रहा हूं, जनवरी में या फिर अगस्त में। इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर यह मूवी रिलीज हो सकता है, या हमारे देश के रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ये मैंने आपको कुछ हिंट दे दिया, आगे का वीडियो का अपडेट मैं आपको जरूर दूंगा कि ये मूवी कब रिलीज होगा जैसे ही मुझे पता चलता है। ये मैंने कुछ आपको हिंट दे दिया कि कब रिलीज होगा। तो जो तो एक जोहार आज के इस वीडियो में, अगर आपको कुछ भी नॉलेजबल मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और शेयर करिएगा गर्व के साथ, ताकि हमारे संथाली इंडस्ट्री की ऐसे ही अपडेट आपको कंटिन्यू मिलता रहे। हमारे चैनल में आपको ऐसे ही अपडेट लगातार मिलता रहेगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई क्या कर रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, बेल आइकन नहीं दबाए तो क्या किए, लाल बटन को काला करो और आगे का वीडियो देखने के लिए। अगर आपने हमारे स्पेशल वीडियो, जी हाँ स्पेशल वीडियो
फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर का वीडियो नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, लेफ्ट वाला वीडियो पर क्लिक करो और उसको देखो। अगर आपने हमारे स्पेशल उनकी बेटी मरुणा मुर्मू का वीडियो नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, राइट वाले वीडियो पर क्लिक करो और जाके उसको देखो। जोहार, जय झारखंड, जय हो।